चमोली में जनप्रतिनिधियों ने बीडीसी बैठक का बहिष्कार किया है। दरअसल जनप्रतिनिधियों ने जिला स्तरीय अधिकारियों के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया है और बैठक में न पहुंचने के विरोध में जमकर नारेबाजी की है। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि भारी बरसात के चलते जगह जगह सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, इसके बावजूद क्षेत्र पंचायत सदस्य अपनी जान जोखिम में रखकर बैठक में उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन जिले में बैठे अधिकारियों को सुविधाएं मिलने के बावजूद भी बैठक में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। सारी महिलाएं यहाँ पे आई हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत यहाँ पे आए, हमारे प्रधान संगठन यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे कोई वो उच्च स्तरीय अधिकारी है ही नहीं, क्या करना उस बैठक के लिए। हमें यहाँ पे उन्होंने बेवकूफ़ समझ रखा, हमें पूरे जनप्रतिनिधियों को उन्होंने बेवकूफ़ समझ रखा, क्या हम बेवकूफ़ है? जो जनप्रतिनिधि है कम से कम 2530 किलोमीटर दूर पैदल मानी यहाँ पे पहुँचे, ये बरसात के मौसम में कई जगह पर रास्ते टूट रखे हैं, तब भी वो यहाँ पे हमारी बैठक में बीडीसी बैठक में उपस्थित, लेकिन जिला स्तर का यहाँ पर कोई भी सक्षम अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। 15 दिन से हमारा एजेंडा चलता है, जिला तक हमारी जो एजेंट है कि कॉपी है उन तक जाती है, लेकिन जब मैंने डीपीसी के दिन भी बात रखी थी डीएम साहब से, ये सामने किया हमारी 29 को बैठक है, जिला स्तरीय कर्मचारी पहुँचने चाहिए सक्षम अधिकारी, लेकिन उस बावजूद भी आज वो जिले अधिकारी कोई भी सक्षम अधिकारी हमारी बैठक में नहीं पहुँचे।